नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स, मैं सचिन जियोमित्री क्लिनिक की तरफ से सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज हमारे इस वेबिनार में एचपी गाइड के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिसेंट में जियो ने काफ़ी एआईज को ऐड किया है, जैसा कि आई स्कैन, फेस स्कैन, ईसीजी, और साथ के साथ में हमने एचपी गाइड को भी जो है, जिसका पहले प्रीवियस नाम जियो ब्रेन था ना, उसको अभी हमने इसका नेम चेंज करके एचपी गाइड कर दिया है। इसमें एचपी गाइड का मतलब ये है कि मतलब इट विल हेल्प यू कि आपको कोई भी किसी तरह की मतलब एक डायग्नोसिस को जांचने में परखने में आपकी हेल्प करता है ये एचपी गाइड। कि जैसे कोई भी अगर पेशेंट कुछ मान लो प्रॉब्लम है बट हम वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे या कहीं ना कहीं डायग्नोसिस गलत हो रही है, ये यूजफुल डॉक्टर्स के लिए भी होती है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं जियो पैनल पे वो भी इसको यूज कर रहे हैं, और इवन और भी जो मतलब कई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी इसको यूज कर रहे हैं अपनी जांच के लिए कि भाई हाँ जो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार मैं एक जनरल एग्जांपल भी देख जो है हमारे हेल्थ पार्टनर के साथ डिस्कस भी करता हूँ कि जैसे कई बार स्वेलिंग का केस होता है तो हम जनरली वहाँ पे स्वेलिंग की मेडिसिन दे रहे होते हैं, बट बाई चांस क्या पता वहाँ पे थायराइड का केस हो या कुछ और केस हो, तो उस टाइप से ही जैसे ये एक सही डायग्नोसिस के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है एचपी गाइड। और आप सभी जैसे मतलब हेल्थ केयर में हो सभी लोग, तो आप लोगों को पता ही है कि सही डायग्नोसिस होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। तो उसी बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ युगल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हाय युगल, एम आई ऑडिबल? तो युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सचिन हमारे जो एचपी गाइड के अंदर और क्या करंट अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग में बताएंगे। एक हमने जो आप लोगों के लिए डिटेलिंग के लिए एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करी है। और युगल, ओवर टू यू। धन्यवाद सचिन और सभी हेल्थ पार्टनर्स को नमस्ते। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एचपी गाइड के बारे में और इंफॉर्मेशन देता हूँ। सचिन जी, इसमें मेरे को स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हाँ, दे अभी अभी दीजिए। आपको शेयर कर सकते हैं आपसे। सभी को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं एचपी गाइड के बारे में। अब एचपी गाइड जो है, मैं गाइड का मतलब आपको पता है, एक मार्गदर्शक होता है। तो एचपी गाइड जो है हमारे, आपको अगर एक अच्छा डायग्नोसिस चाहिए, आपको क्या सवाल से पूछने हैं, इस पे और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, उस पे हेल्प चाहिए, तो एचपी गाइड उसमें आपकी मदद करता है। अब एचपी गाइड है क्या? ये एक एआई बेस्ड, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, कृत्रिम दिमाग, ये कंप्यूटर जो कि इंसान की तरह सोच सकता है, बातें कर सकता है। तो ये हाँ वो चीज है। अब ये करता क्या है, कोई पेशेंट आएगा तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे, उसको क्या ये सब चीज उसमें एचपी गाइड आपकी मदद करता है। ये खुद सवाल पूछता है हमसे। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमने इसको बनाया किस वजह से। क्या होता है ना कि कुछ क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं, जो अच्छे ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी उपलब्धता नहीं होती, यानी वो उपलब्ध कई कई बार नहीं होते। कुछ क्षेत्रों में जो गांव के क्षेत्र हैं या फिर पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पे कई डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा यह है कि सामर्थ्य, यानी डॉक्टर जो होते हैं आजकल, उनकी फीस वगैरह बहुत ज्यादा होती है। आपको पता ही है, एक 2 मिनट के सेशन के लिए लोग 800, 1,000, 2,000 रुपये ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम। और तीसरा ये है कि लोगों में जागरूकता नहीं होती, यानी लोगों को पता नहीं होता कि अभी हमारे साथ ये हो रहा है, तो ये कितना सीरियस चीज है। मान लो मेरा सिर दुखने लगा किसी दिन, तो मैं, अब अपन इंडियन लोग हैं, अपन उसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, ठीक है। अपने को लगता है कि सिर तो दुख रहा है, ठीक हो जाएगा, अब अगले दिन वो बढ़ जाता है। तो इस केस में फिर लोगों को पता नहीं होता कि करें तो क्या करें और किसके पास जाए।
ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन तीनों जो ये तीनों समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने के लिए एचपी गाइड जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और जियो का पूरा पर्पज यही है कि इन तीनों प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व किया जाए ताकि सभी तक जो हेल्थ अच्छी हेल्थ एक सबको एक्सेसिबल बनाई जा सके ना, सबको उपलब्ध कराई जा सके कम प्राइस में और अच्छे लेवल पे। तो इसमें कुछ कुछ अंग्रेजी में लिखा है, नीचे मैं पढ़ देता हूँ। तो उसमें लिखा है कि 57% जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं एलोपैथिक वाले उनके पास डिग्री होती नहीं है, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग मुश्किल से 2 मिनट दे पेशेंट को, उससे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछते और डायग्नोसिस बता के कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। इसमें कुछ बुराई नहीं है अगर डॉक्टर बहुत ज्यादा तो पता होता है कि हाँ वो 1-1.5 मिनट में समझ जाता है, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि ये इतने सवाल काफी नहीं होते, उनको थोड़ा डिटेल में जाके सवाल करने चाहिए ताकि ज्यादा अच्छे से डायग्नोसिस हो सके और पेशेंट की हेल्प हो सके। तो ये चीज हमारा जियो ब्रेन जो एचपी गाइड हो चुका है वो ये काम करता है, वो बहुत डिटेल में आपसे सवाल जवाब करेगा। तो और दूसरा चीज ये कि लोग क्या करते हैं ना, कि लोगों को कुछ होता है, छोटा मोटा कुछ भी होता है, तो वो डायरेक्ट सीधे दवाई की दुकान पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है, कोई दवाई दे दो, तो वो दवाई दे देते हैं उनको। अब उस दवाई से सिम्टम शायद आपका खत्म हो जाए, उसका हेडेक खत्म हो जाए, लेकिन अगर हेडेक के पीछे कोई उसकी हेडेक किसी बीमारी की वजह से है तो वो उससे ठीक नहीं हो पाती और हो सकता है उसके साइड इफेक्ट भी हो जाए आपको। तो ऐसे ऐसे केसेस में भी पेशेंट को पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है भी या नहीं, घर पे ठीक हो जाएगा, जो जो भी आगे करने का चीज है। और तीसरा ये कि डिले भी हो जाता है कई बार, लोगों को पेशेंट्स को एडवाइस नहीं मिलती सही, तो उस केसेस में भी कई दिक्कतें हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो हेल्प गाइड जो है एचपी गाइड या जियो ब्रेन कह रहे हैं, तो वो ये काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना हुआ है और इसका आपको भरपूर उपयोग करना है। इन्फॉर्मेशन स्लाइड पे है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ कंसर्न्स, इन्हें कोई भी हेल्थ कंसर्न अगर आपको है, प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है, तो जियो जो ई मित्र ई क्लिनिक जो है ये ऐप आपकी मदद करेगा। अब इसमें 5 स्टेजेस बताए पेशेंट के प्रोसेस के, यानी सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग जो होता है, यानी हिस्ट्री मतलब पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, कब से है, क्यों है, क्या क्या करता है पेशेंट, उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, वो सब पूछना। दूसरा स्टेप होता है जीपी पल्स बीपी, सारे कुछ भी जियो ऐप में है, आपने देखा होगा आपका बीपी पल्स टेम्परेचर वगैरह सब मेजर। तो ये इस बात जो आता है वो है इन्वेस्टिगेशन, जिन्हें इलाज स्कैन जो टेस्ट करने के लिए देते हैं डॉक्टर। अब जैसे मलेरिया का टेस्ट किया तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का एग्जांपल है, तो ये पूरी प्रोसेस है। तो इन 3 चीजों के बाद फिर दवाई वगैरह कौन सी देनी है, किस तरह का प्रोग्नोसिस होना है, वो चीज आती है। अब एचपी गाइड जियो मरीजों को बताता है, जियो मरीजों को बताता है क्या गलत है, कैसे हुआ और आगे क्या करना है। तो एआई द्वारा एक प्रथम मार्गदर्शन कह सकते हैं इसको, या फर्स्ट हैंड हमारा एआई है, उसको काफी सारे डेटा पर हमने ट्रेन करा था, यानी काफी एक्यूरेट है ये, काफी सही राय या डायग्नोसिस देता है और काफी सही सवाल पूछता है ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट के बारे में उनको डायग्नोसिस बताया जा सके। और HIPAA सर्टिफिकेशन, हम HIPAA से सर्टिफाइड है हमारा जो सॉफ्टवेयर है, और हम हमारी पूरे ऑर्गेनाइजेशन HIPAA सर्टिफाइड है। और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन से ये इसको यूज कर रही है, जैसे STPI मोहाली है अपना, कुछ काफी ज्यादा यूज है। तो ये तो हो गया अपने जियो ब्रेन या फिर हेल्थ एचपी गाइड के बारे में। अब ये करते हैं कि इसका आपको मैं लाइव एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक डेमो करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये कैसे होगा।
अभी तक हमारे किसी भी हेल्पर ने कुछ कोई क्वेश्चन हो या कुछ सुझाव हो? सवाल होता है। आशा तीन सर दिख रही सचिन जी, आप बैंक आ रहा है यस ठीक है, अभी आ रहा है बट थोड़ा तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जियो ऐप मैंने खोल कर रहा है। अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो फेस स्कैन है, एचपी गाइड है और आई स्कैन है। आज हम एचपी गाइड का डेमो करने वाले हैं, तो इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा एचपी गाइड को। अब ये सबसे पहले इसका नाम तो मान लीजिए पेशेंट नाम है और नंबर इसमें डालना जरूरी है ताकि आगे उनसे बातचीत अगर जरूरत पड़ी तो वो हो सके, तो उनका रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। और ये कई भाषाओं में अवेलेबल है, फिलहाल हिंदी और इंग्लिश इसको एनेबल कर रहा है। फ्यूचर में भविष्य में और भी ज्यादा भाषाएं हम इस पर लाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। और इसका एडजस्टमेंट का कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है फिलहाल, तो वॉलेट से 10 रुपीज़ पे कटेगा। चलिए आप स्क्रीन देख पा रहे हैं जिसमें प्लीज टेल मी योर सिम्टम्स आ रहा है। तो ये असल में एक चैटबॉट की तरह काम करता है, ये आपसे सवाल पूछेगा आप इसका जवाब देंगे। तो मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो पेशेंट कहता है या कहती है कि मुझे वेट गेन हो रहा है, मान लो यानी मेरा वजन बढ़ रहा है बिना कारण, ठीक है। ये चीज हम दिखाई इसको नहीं दे रहा बताते हैं क्योंकि स्क्रीन। हमने हिंदी से स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं एक सेकंड, विजिबल है स्क्रीन तो आपको, आप देख स्क्रीन पा रहे हैं शो कर हो रहा है, सो रहा है सर, स्क्रीन शो कर रहा है। रहा है? चलिए ठीक है जी। ठीक है, तो अजय आगे जी बढ़ते हैं। शायद इसमें आपको मान लो नेटवर्क इश्यू होगा, एक बार देखिए, मैं इस वजह से आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे। जी ठीक है, तो पेशेंट का वजन बढ़ रहा है, पेशेंट आपसे कहता है कि उनको पता नहीं क्यों बढ़ रहा है, वो खाना भी नॉर्मल अक्षरों में भी लिख सकते हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है। तो आपने इस पे एक सेंटेंस में डाल दिया, आप चाहें तो ज्यादा इसको डिटेल में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसने क्या किया कि सिम्टम्स जो हमने डाले उसमें इसने कुछ सिम्टम्स पहचाने हैं कि क्या आपने इनमें से कोई लिखा है। तो अगर मैं इसमें वो सिम्टम नहीं है जो मुझे चाहिए, जैसे इसने वजन वजन में कमी को डिटेक्ट किया है, अब इनमें से कोई सिम्टम नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि लक्षण ढूंढो, यानी वो सिम्टम अगर इसने कैच नहीं कराया तो एक बार लक्षण ढूंढो पे क्लिक करते हैं। अब ये बोलेगा कि अपने लक्षणों की खोज नीचे इस टेक्स्ट बॉक्स में करिए, तो मैं इसमें लिखता हूँ वजन बढ़ना या फिर
मान लेते हैं कि भूख में कमी एक सिम्टम है, तो ये चीज हम लिख देते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने इसमें सिम्टम अपना डाल दिया, पेशेंट का जो भी पेशेंट आया उसका सिम्टम इसमें डाल दिया। तो आगे का काम आपको कुछ नहीं करना, आगे ये पूरा सवाल जवाब आपसे करेगा जो आपने पेशेंट से, या फिर डायरेक्टली उनको आप पकड़ा दें तो ये सवाल जवाब करेगा। अभी पूछ रहा है कि कृपया मुझे बताएं कि कब से आपको, कितने समय से ये लक्षण भूख में कमी है, कब से आपको अगर इसमें कमी आ रही है, क्योंकि जब थायराइड में जनरली आती है लोगों को भूख, या तो बढ़ जाती है कम हो जाती है, वजन बढ़ता है कम होता है, तो इस तरह की चीजें। तो अभी ये कुछ जरूरी प्रश्न करने जा रहे हैं, जा रहा है, कृपया मेरे साथ बने रहें और उसका ध्यान से उत्तर दो। तो जारी रखते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि क्या आपको इन विकल्पों में से भी कोई लक्षण है, क्या कोई और सिम्टम है आपको इनके जैसा। तो जैसे भूख में कमी हमने लिखा कि भूख लगने कमी या वृद्धि हो रही है, तो हो सकता है उसके कारण से हो या थकान से हो, तो काफी सारे कारण हो सकते हैं। अगर पेशेंट को इनमें से कोई है तो आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो अभी के लिए मैं थकान पे क्लिक कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्या इनमें से कोई लक्षण है, या फिर ये कमजोरी वगैरह या कुछ सरदर्द है, तो इसमें मैं लिखूंगा सिर चकराना अगर होता है तो, और कुछ लक्षण है जैसे जी मिचलाना, कपकपी होना, तो इसमें मैं कोई नहीं लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। उलझन में रहना या पेट का आकार फूल जाना, इनमें क्लिक कर देते हैं। क्या आप धूम्रपान करते हैं, तो हो सकता है इसको जो ऐप है, जो AI है, उससे लग रहा हो कि धूम्रपान करने से ये जुड़ा हुआ है जो आपका लक्षण है, तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप धूम्रपान करते हैं, तो मैं नहीं करता तो मैं इस पर नहीं क्लिक कर रहा हूँ। क्या आप शराब का सेवन करते हैं, इस पर भी नहीं क्लिक करते हैं। अभी पूछ रहा है कि क्या आप अपने पैरों या पैरों में सूजन देखते हैं, क्या आपके पैरों में सूजन है, तो नहीं अभी तो नहीं लिखा मैंने क्योंकि तो पैरों में सूजन नहीं है। क्या आपने हाल ही में अपने जीवन में कोई तनावपूर्ण या दर्दनाक घटना देखी है या घटी है, तो इसमें नहीं लिख देता है। कि आजकल आपकी नींद जल्द टूट जाती है और आसानी से नींद नहीं आती। अब आप नोटिस करिएगा, ये सवाल जो पूछ रहा है ये काफी डिटेल में ये पूछ रहा है हर चीज, क्या ये समस्या है, क्या ऐसा है। तो इन सवालों से क्या होता है ना कि जो डॉक्टर होते हैं वो भी कई बार आपको इतना डिटेल में नहीं पूछते, डॉक्टर लोग जो स्पेशल स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी इतना डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन इससे आपकी खासियत ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो जो इसको लगता है कि जरूरी होगी पेशेंट से पूछना, वो ये पूछेगा और उसके आधार पर फिर ये डिसाइड करेगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आपकी नींद जल्दी टूट जाती है, आसानी से नींद नहीं आती, तो मैं कहूँगा कि ठीक है नींद नहीं आती, चलते हैं आगे। क्या हाल ही में आप किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं सोच रहे हैं। क्या आप अचानक बैठने या लेटने की स्थिति से उठने के बाद कुछ सेकंड के लिए हल्का सा या चक्कर महसूस करते हैं, तो कई बार सब सबको होता होगा कि ये कई बार एकदम से बैठ के उठते हैं जैसे ही हम, तो हमको चक्कर आते हैं, है ना। तो ये अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को हो रहा है तो उसमें आप हाँ करेंगे, नहीं तो हमने नहीं कर दिया, चले आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि मूल्यांकन समाप्त होने वाला है, बस कुछ प्रश्न शेष हैं, कृपया मेरे साथ बने रहें। तो जारी रखते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि क्या आपको इनमें से कोई सिम्टम है, ठिठुरना या ठंड लगना, तो ठंड तो नहीं लग रही है। मिर्गी के दौरे आ रहे हैं क्या, तो नहीं आ रहे। ब्लैक त्वचा में पीलापन या इनमें से कुछ नहीं पे क्लिक करते हैं। अभी क्या सोने में कोई कठिनाई है, या फिर पूरे शरीर में सूजन या फैला हुआ लगना, कुछ कार्य प्रदर्शन और सफलता में कमी, पेट में दर्द, तो इनमें से कोई नहीं पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या आपका वजन घट रहा है, तो वजन घटना पे क्लिक कर देते हैं। या अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है किसी का, तो हम लिख सकते हैं कि कम रक्त दबाव, इस पर भी क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। क्या आपके थूक में खून आ रहा है, या सांस फूलने के कुछ हो रहा है, या फिर पेट में गैस या जलन हो रही है, तो इनमें से कोई नहीं है, आगे बढ़ो। गले में जो, या फिर नाक से खून देना, नाक से कोई खून है, थायराइड में जनरली, सीने में जलन शायद कभी कभी होती होगी, बट अभी हम इसमें से नहीं कुछ लिखते हैं। तो गुदा में दर्द होना, नहीं गुदा में नहीं है। ज्यादा डकार आना या आवाज में कर्कशता, तो इन पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें इन्होंने फाइनली जो सवाल पूछे थे वो इसने पूछ लिया है,
और अभी इसने एक पूरी रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। तो ये रिपोर्ट उस पेशेंट की है जिसको इसमें इसने कुछ चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो जो डिटेल पेशेंट ने शेयर की थी, जैसे हाइपरटेंसिव हिस्ट्री जो है, हाइपरटेंशन है कि नहीं, तो उसमें नो दिया था उसको। अल्कोहल बंदा नहीं करता, नो लिखा हुआ है। स्मोकिंग भी नहीं करता, उसमें नो है। अब जैसे नीचे आते हैं तो सजेस्टेड डॉक्टर्स या सजेस्टेड स्पेशलिस्ट हम बोल सकते हैं। इसने बताया है कि इन सिम्टम्स के आधार पर या इन इन सवालों के जवाब के आधार पर कौन से स्पेशलिस्ट को देखना सही रहेगा। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है या फिर एमडी मेडिसिन को आप दिखा सकते हैं, उन पे रेफर कर सकते हैं जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। तो और नीचे जो पॉसिबल डायग्नोसिस हैं वो इसने दिए हुए हैं कि शायद ये बीमारियां हो सकती हैं। अब ये फाइनल नहीं है, ये ऐसा नहीं कह रहा कि ये बीमारियां होंगी सारी या इनमें से कोई एक होगी, ऐसा नहीं कह रहा। कह रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि ये होंगी। अब आगे इसके या तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो पता करेंगे, वो देखेंगे जब उनके पास जाएंगे, या कुछ टेस्ट वगैरह वो लिख के देंगे जिससे कंफर्म होगा है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहा है। अब और जो लेस लाइकली कॉजेस हैं, यानी जिनकी होने की संभावना बहुत कम है, जो कि GERD डिसीज है, जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज होती है, या TB होता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत बहुत कम है इसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें इसने यहाँ पे बता दी। और एक एक कॉलम और है नीचे, स्पेशल इंफॉर्मेशन या एडवाइस। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ऐसा सिम्टम पेशेंट ने दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। मान लो किसी के सीने में दर्द हो रहा है, तो उस केस में फिर ये आपको एडवाइस करता है कि क्या आपको एकदम इमिडिएटली किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर अभी के अभी, या फिर ये घर पे ठीक हो सकता है ये चीज़। तो ये रिपोर्ट का हिस्सा है, ये पूरा रिपोर्ट आ जाता है। अब इसमें आप चाहें तो आगे रिफर करें पेशेंट को, है ना, या फिर खुद से जो भी आपकी प्रोसेस होती है आगे वो आप कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक किसी इनको कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो बता बता दीजिए पूछिए। हाँ देखिए कि देखो कितनी डिटेल में रिपोर्ट भी बनाई गई है और गहराई के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि हाल ही में आप मतलब कोई एक मतलब गंभीर घटना से तो नहीं निकले, मतलब इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर कि जाके ना डायग्नोसिस तो बहुत मतलब वहाँ पे है ना करेक्ट निकल के आती है वहाँ पे। हाँ और आपका भी थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि ये देखो पॉसिबल कि आपको क्या क्या हो सकता है आप ये बता सकते हो वहाँ पे, और क्या क्या मतलब होने के कम चांसेस है ये भी आप मरीज को बता सकते हैं कि हो सकता है ये भी हो बट इनके चांसेस कम है। तो सामने जैसे मरीज पे भी आपका इम्पैक्ट एक अलग तरीके का पड़ेगा, अलग एक मतलब उस वे में पड़ेगा कि हाँ देखो डॉक्टर साहब इनको मतलब भी इतनी जानकारी है और वो इतनी चीजें हमें बता भी पा रहे हैं, उनको रिपोर्ट भी आप शेयर कर सकते हो, देखो जी आपकी ये रिपोर्ट है और ये है मतलब आप है ना किसी भी डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, वैलिड रिपोर्ट है वो कि हाँ कि मेरी जांच में मुझे ये पता चला। उसके बाद वो फर्दर जो टेस्ट वगैरह करने होते हैं वो करके टेस्ट और जो है आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो कितनी डिटेलिंग में मतलब एक मरीज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वो भी आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब मरीज से आप इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे कि हाँ भाई आप कोई सदमे में तो नहीं थे या फिर आप ये मतलब दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा टेंशन तो नहीं चलती है, जैसे जैसे आपके जियो ब्रेन ये जो हमारे HP गाइड है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उस हिसाब से पूछते रहोगे तो थोड़ा मरीज को भी लगेगा हाँ कि डॉक्टर साहब के पास कुछ नई तकनीक है जो कि अभी तक हमारे गांव में नहीं थी। मेरे ख्याल से अपने आपके आसपास के एरिया में आपके गांव में किसी के पास भी ऐसी एक तकनीक नहीं होगी कि जिसमें मरीज से 10-12 क्वेश्चन पूछे जाए उसके बाद उसको बताया जाए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, और ऊपर से जो प्रॉब्लम है उसकी रिपोर्ट भी जनरेट करके आपको दी जाती है कि आप उसको प्रिंट निकाल के अपने जो है पेशेंट को दे सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे हेल्थ पार्टनर एक बार अपना कुछ सुझाव भी दें, क्या उनका क्या इसके ऊपर राय है, कैसे इसका मतलब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, या फिर आपको कुछ भी इससे संबंधित कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन तो आप फ्री हैं आपको कोई भी हमारे हेल्थ पार्टनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे किसी भी हेल्थ पार्टनर कोई क्वेश्चन हो इसके संबंधित
जितेंद्र जी, अजय जी, अभिमन्यु, किसी भी हमारे हेल्प पार्टनर, कुछ भी क्वेश्चन हो इसके संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। या तो हमारे हेल्प पार्टनर को सब कुछ समझ आ गया या कुछ नहीं समझ आया, मतलब अभी इस जो साइलेंस का आंसर, मतलब क्या समझा जाए। युवल, मेरी आवाज आ रही है वैसे? हाँ जी सर, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। रंजीत फिर से मालवीय एक जी, बार आपको कोई क्वेश्चन हो, जितेंद्र जी आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। क्वेश्चन नहीं तो अपना फीडबैक ही दे दीजिए कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, थोड़ा सा बताइए। देखो, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, ये जानकारी आपकी अच्छी लगी है। हाँ अच्छी लगी सर, थैंक यू सर। हम वही है सर आप लोगों के लिए, देखो ये जो है चीजें हम लेके आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी अब बढ़ चढ़ कर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके हमारे अंदर भी एनर्जी बनी रहे कि और नई नई चीजें हम लेके आए। तो वही, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी सर, थैंक जी। यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर कुछ ओके जी, फीडबैक हो या कुछ कहना चाहते हो? तो मेरे ख्याल से युगल, देन वी आर गुड टू गो, वी कैन कंक्लूड। ओके, तो वेबिनार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे सभी हेल्थ पार्टनर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू युगल, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी हेल्थ पार्टनर को समझ भी आया होगा। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू युगल। धन्यवाद सभी का। तो